परेशान थे। जो परेश ने किया बिल्कुल सही किया। नहीं नहीं वो अनुचित है। अरे वो क्या अनुचित है? अरे क्या बोल रहा तू? मैं सही कह रहा हूँ, तुझे मेरा बाप बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और ना ही इनमें से किसी को मेरा रिश्तेदार बनने की। तुम सब लोग अपने अपने रास्ते जाने के लिए फ्री हो। अपूर्वा सॉरी सॉरी अपूर्वा सॉरी अपूर्वा बेटा, इसे कहते हैं मेंढक आसन। मेंढक आसन जी, इसमें मतलब ऐसे करने से टांगों की शक्ति बढ़ती है और हमारा पेट ठीक रहता है। तुम इस परिवार में खुश हो? खुश, बहुत खुश हूँ मैं। मेरे सास ससुर बिल्कुल मेरे माता पिता जैसे, मेरी जेठ और जेठानियाँ बिल्कुल मेरे भाई भाभी, और अपूर्व मेरा पति परमेश्वर है वो। यू नो आंटी, ये जो हमारा परिवार है ना, फूल की तरह ख्याल रखता है मेरा। कुड़ी बाबा, ए क्या गंडगोल हो गया, हमारी वजह से पूरा फैमिली में दरार पड़ गया है। जैसा पल्लवी शाह हमको बेकार समझता है, वैसा ही सब लोग अब हमको बेकार समझता है। वो लोग भी बराबर ही बोलता है, हमने आज तक किया ही क्या है लाइफ में, पहले चोरी करता था, अब चोरी नहीं करता है। अपूर्व का भाई बन के भी हमने कुछ नहीं किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया है। हमको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, पल्लवी शाह की नजरों में दोस्त से देवता बनने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा काम करना ही पड़ेगा, बोल देता है। अपूर्व भैया, परेश भाई अंकल जी के वाहन के सामान कक्ष में भी नहीं है, और उनका दूरसंचार यंत्र भी काम नहीं कर रहा। हमने उनके सभी मित्रों से संपर्क किया किंतु उनका कोई समाचार नहीं मिला। वो कल रात से गायब है, तुम लोग अभी बता रहे हो मुझे? एक्चुअली अपूर्व, पल्लवी परेश से नाराज थी तो उसे लगा कि परेश बाहर सो रहा है, और हमें तो पता ही नहीं चला। अपूर्व भैया, कहीं वो आपके गुस्से के कारणवश तो कुछ करना बैठे? नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा वो। प्रीति जी के हाथ में लगी चोट सा सबको बताइए, उनमें कुछ और करने की हिम्मत है ही नहीं, वो सिर्फ नाटक कर सकते हैं नाटक। रात से सुबह हो गई है पल्लवी, ना परेश का पता है ना उसके नाटक का। एक मिनट, तुम लोग कोई तर्क वितर्क मत करो यार। आओ प्रीति, पल्लवी तुम दोनों आरती के पास रहो, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पंकज, तुमने गीता को फोन किया? तो उससे फोन करो यार, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राजू कहाँ गया? इधर इतना भीड़ क्यों लगा है? लगता है कोई जादूगर अपना हाथ का सफाई दिखा के पब्लिक को मोहित करता है। उड़ी बाबा, एक क्या गुंडगोल हो गया हमसे, मोहित का नाम हमारा मुंह पे आ गया। ए दुर्गा माँ, हमारा पल्लवी शाह का रक्षा करना, उसका शादी हमसे करवा कर। चलो मेला ही घूमता है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। May I have attention please, ladies and gentlemen, good afternoon, sorry, good morning, दोस्तों आज एंटी पोल्यूशन मूवमेंट को चलाया जा रहा है। इस मौके को, इस नजारे को देखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो अर्ज करूं। शुक्रिया। पोल्यूशन से पर्यावरण की क्या दुर्गति हो रही है, सड़कों पर सैकड़ों कार बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़कर प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। पहले पर होम एक कार हुआ करती थी, अब पर हेड एक कार है। एक्स्ट्रा व्हीकल की दौड़ बेकार है, कार्बन मोनोऑक्साइड की छोड़ दो ये धार। सारी जनता और साहूकार धरती कर रही है एंटी पोल्यूशन की पुकार। दोस्तों एंटी पोल्यूशन मूवमेंट के लिए यहाँ पर एक कमाल के साइक्लिस्ट आने वाले थे, जो इस काम को अंजाम देने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो यहाँ पर हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के नेक काम को कौन अंजाम दे। है ऐसा कोई शेरदिल इंसान, है कोई ऐसा नौजवान जो इस मुश्किल की घड़ी में जग को पोल्यूशन मुक्ति का संदेश दे सके? है कोई यहाँ पर, है कोई वो नौजवान? हाँ, मिल गया, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। आइए, वाह, स्वागत है आपका, आइए, आप जैसे शेर चाबाज इंसान की हमें जरूरत थी। हाँ, तो हम एंटी पोल्यूशन कमेटी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, तालियां। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है परेश शाह। ओ परेश शाह, भाइयों और बहनों, परेश
हमेशा इस नए काम के लिए हमारी मदद करेंगे। तालियां। बाबा इतना सारा लोग ताली बजा रहा है, मतलब जो भी काम इधर होने वाला है वो जरूर बहुत बड़ा काम होगा। किंतु दादा हमको करना क्या होगा? साइकिल चलानी है। बस साइकिल चलाना है, नॉन स्टॉप साइकिल चलानी है, वो भी पूरे 30 घंटे तक। वाह भगवान जी वाह, शायद तुमने हमको इसीलिए इधर भेजा है ताकि तुम हमको ये रास्ता दिखा सके। अब हम प्रूव कर सकता है कि हम भी जिंदगी में कुछ ना कुछ करेगा। परेश, पूरी फैमिली और पल्लविशा को दिखाने के लिए तुमको ये मौका मिला है, मार दो चौका। अपूर्व, तुमसे एक बात करनी थी। जी। तुम्हारा ये जो किराए का शाह परिवार है, उस परिवार के रिश्तों की असलियत अब दिखने लगी। असली फैमिली से भी ज्यादा असली फैमिली की कमजोर कड़ियां टूटने लगी। क्या तुम अब भी ये कहोगे कि तुम्हारा ये परिवार असली से भी कई ज्यादा असली है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा विश्वास टूट रहा है? उषा आंटी, मुझे अपने परिवार पर पूरा विश्वास है और मैं अभी यही कहूंगा कि मेरा यह परिवार किसी भी असली परिवार से ज्यादा असली है। लेकिन फिलहाल मुझे फिक्र अपने भाई परेश की है। पता नहीं वो कहां है, कैसा है। आइए। हाँ तो परेश जी, आप तैयार हैं? अरे तैयार हैं। तो हम भी तैयार हैं। परेश जी, ये वो साइकिल है जिसे लगातार आप 30 घंटे चलानी है। ठीक है दादा, आइए। बैठिए। सॉरी सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदी में भाइयों और बहनों, परेशान है एंटी पॉल्यूशन मूवमेंट के लिए साइकिल चलाना शुरू कर दिया है और इनके 30 घंटे में से पहले घंटे की शुरुआत। हो तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले। रखी लेता हूं, काम तो आएगा ही। शब्बो सुन, ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन। मैं क्या करूं शब्बो, मेरे नैन को आराम नहीं मिल रहा। पता, मेरा दोस्त एक परेश है, वो घर छोड़ के चला गया, उसको ढूंढने निकला हुआ हूं। पता नहीं मिल नहीं रहा कहां पे। नहीं, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, 150-200 किलोमीटर दूर से दिख जाता है। एक मिनट शब्बो, मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ, लगता है मिल गया। हाँ, मैं दोबारा फोन करता हूँ तुम्हें। अबे ओ परेश, राजू इधर आओ, देखो हम इधर साइकिल चलाता है। अबे साइकिल चला रहा है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करके तमाशा कर रहे, घर में सब लोग परेशान है। परेशान बगैर रुके हर पल हर लम्हा 30 घंटे तक साइकिल चलाते रहेंगे। क्या 30 घंटे? फोन उठा। क्या बोल राजू? अपूर्व, परेश का पता चल गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। कहाँ है वो? ये यहाँ पे साइकिल चला रहा है। क्या यहाँ पे हम सब लोगों की नींदे उड़ी हुई है और वो वहाँ साइकिल चला रहा है? दो झापड़ लगा मेरी तरफ से। अरे यहाँ पर वो बिना रुके, जमीन पर बिना पैर रखे 30 घंटे तक साइकिल चलाने वाला है। क्या? हाँ, तू जल्दी आ भाई, जल्दी आ भाई। और बहनों, परेशान है, अपना 1 घंटा पूरा कर लिया है। अरे यहाँ पे तो कोई दूसरा आदमी साइकिल चलाने वाला था ना? अरे भाई साहब, आप इसको जानते हैं? नहीं भाई, पता नहीं कौन है। अरे लेकिन मानना पड़ेगा, जो भी है बहुत हिम्मत वाला है, 30 घंटा साइकिल चलाएगा इतना कड़कती धूप में। मेरा ही शागिर्द है ये, मैंने सिखाया इसको साइकिल चलाना। चला चला परेश। क्या बात कर रहे, अभी तो आप बोल रहे थे मैं जानता नहीं इसको। नहीं, मैं इसे जानता नहीं हूं, पर शागिर्द मेरा ही है। परेश, कम ऑन, यस यू कैन डू इट। करेगा। जिस तरह मैंने तुझे मेहनत करवाई है उसी तरह मेहनत से, कम ऑन।
अबे गिरना मत टेंशन मत लो चला लेगा। नहीं थक के गिर भी गया ना तो ये पब्लिक इसके साथ साथ मुझे भी मारेगी। मेरा ये शागिर्द है। आज की अहम जरूरत, आज का अहम प्रश्न, पोल्यूशन। जी हाँ, कार हवा में फैलाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे फैलता है पोल्यूशन। इसलिए हम आपसे कहते हैं चलाना छोड़ो कार, हो जाओ साइकिल पर सवार। कम ऑन। कैसा है दादा? देखो हम इधर में साइकिल चलाता है। ऐ देखो आ गया तू पूर्व पंकज दादा पीरी भाभी पल्लवी सा, देखो साइकिल चलाता है। चल चल चल। हाँ चलाता चलाता। इतनी पोल्यूशन मूवमेंट, छोड़ो चलाना कार, हो जाओ साइकिल पर सवार। जी हाँ, कार हवा में फैलाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे फैलता है पोल्यूशन। इसलिए हम आपसे कहते हैं चलाना छोड़ो कार, हो जाओ साइकिल पर सवार। जी हाँ, इस काम के लिए हमें रास्ता दिखाएंगे हमारे गाइड मिस्टर परेश शाह। अबे क्या कर क्या रहा है यार, ये पागल हो गया है ये हमेशा पंगे क्यों लेता है? किसने कहा था उसे ये सब करने के लिए? 30 घंटे साइकिल चला गया ये। टेंशन क्यों ले रहा ना, रुक जा, कुछ घंटे साइकिल चलाएगा ना, बस ये भीड़ हटेगी ना तो ये भी नीचे उतर आएगा। बहुत चालू चीज है ये घंटों का। नहीं, जब राजू भाई का संदेश मिला था उस बात को 2 घंटे हो चुके हैं, पर हमें लगता है कि शेष 28 घंटे ये चला लेंगे। अरे यार कुछ नहीं होगा, ये सब लोग जो उसके लिए हल्ला मचा रहे हैं ना, ताली बजा रहे हैं, बस एक बार नीचे गिरेगा ना पकड़ के पीटेंगे इसको, देखना। अभी जाके उसको समझा के बहुत हो गया तमाशा, घर चल घर। परेश चल, बहुत हो गया, अब उतर जा और घर चल। क्या कर रहा है तू, उतर जा यार नीचे, चल जल्दी नीचे उतर जा, चल। नहीं अपूर्व, तुम ही हमसे बोला ना कि हमारी वजह से फैमिली में झगड़ा हो गया, सब में दरार पड़ गया। वो मैंने गुस्से में बोला था यार, तू समझता नहीं है। अपूर्व हमारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाएगा, हट जाओ, हम गिर जाएगा अपूर्व। अच्छा चल, मैं गुस्सा भी नहीं हूँ, मैं नाराज भी नहीं हूँ, चल साइकिल चलाना छोड़ दे और घर चल। अपूर्व पल्लवी साहब हमको निकम्मा समझता है और सोचता है कि हम किसी काम का नहीं है, सब लोग हमको ऐसा ही समझता है। अभी हम सब लोगों को प्रूव करके रहेगा कि हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। सुन। पूरी फैमिली तुझे यहाँ लेने आई है, अब सबके सामने ना सौतेला व्यवहार करने पर मुझे मजबूर मत कर, चुपचाप बोलो। तुम हमको मारो या घर से निकल दो, हमको एक मौका मिला है लाइफ में, हम इसको खोएगा नहीं, हम अपने आप को प्रूव करके रहेगा। अपूर्व तू समझता क्यों नहीं है? घूमती साइकिल सा, अपूर्व जी से कहिए इन्हें रहने दे, थोड़ी देर में इनकी हवा निकल जाएगी। पल्लविशा देख लेना, जब हमें 30 घंटा कंप्लीट कर लेगा ना तो सब लोग हमारे गले में विजय माला डालेगा और तब तुम खुद हाथ में वरमाला लेके हमारे पास आएगा और पूछेगा, परी जी क्या तुम हमसे शादी करेगा? चांदी की साइकिल, सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। तू समझता क्यों नहीं है? घूमती साइकिल सा, अपूर्व जी से कहिए इन्हें रहने दे, थोड़ी देर में इनकी हवा निकल जाएगी। पल्लविशा देख लेना, जब हमें 30 घंटा कंप्लीट कर लेगा ना तो सब लोग हमारे गले में विजय माला डालेगा और तब तुम खुद हाथ में वरमाला लेके हमारे पास आएगा और पूछेगा, परी जी क्या तुम हमसे शादी करेगा? की साइकिल, सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट।
वाला सा परेशी से कहिए, यही है हमारे राजकुमार, इन्हीं से जोड़े हैं हमने अपने दिल के तार, यही ले चलेंगे हमें चांद के पार होकर इस साइकिल पे सवार। पल्लवी साहब बैठो हमारा साइकिल के पीछे, लेके चलता है तुमको चांद के पार। चांदी की साइकिल सोने की सी, आओ चले डार्लिंग चले डबल सी। चांदी की साइकिल सोने की सी, आओ चले डार्लिंग चले डबल सी। वाह परेशी वाह, क्या बात है। अरे यार ये क्या चलाएगा यार, ये तो अभी से थक गया है। राजेश भाई तो चैंपियन थे। सही बोलता है यार, साइकिल पे नहाते थे, साइकिल पे खाते थे, अलग अलग स्टैंड करते थे। ये नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता कि कर पाएगा। पूरी बाबा राजेश भाई के सामने तो बच्चा बच्चा है, ये क्या कर पाएगा यार। ओ भाई साहब अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप कीजिए ना। बात नहीं कर सकते हो मुंह से, बस और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। क्या बोला? देखिए देखिए भाई साहब, हमें यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्लीज हमें देखना है, हमें शांति से देखने दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है भैया, अभी कुछ भी हो जाए, ये हारे या जीते हम परेश को सपोर्ट करेंगे। अरे नहीं कर सकते, हम साइकिल को हाथ नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट करना अलाउड ही नहीं है। गधे सपोर्ट मतलब वो वाला, अरे मॉरल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ हो गया, कहाँ गई है? कौन सा आइडिया आ गया इसको? और ये हुए इनके 3 घंटे पूरे। छोटा तालियां बजाए, इनका मॉरल सपोर्ट बढ़ाए। देखिए इनके फैमिली मेंबर्स इनका मॉरल सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, आप भी इनका हौसला बढ़ाए। रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे, जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता नमस्कार, दिस इज रघु जेटली रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खोसला ग्राउंड मुंबई। अरे उषा ये क्या देख रही हो यार, न्यूज चैनल लगाओ ना प्लीज। नहीं नहीं धीरू, बस सीरियल खत्म ही होने वाला है प्लीज। अरे ये तुम रिपीट टेलीकास्ट देख रही हो उषा, ये कल तुमने देखा था। पक्का? हाँ तो ठीक है, ये लीजिए आपका न्यूज चैनल। आज ताजा न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा नवयुवक जिसने 30 घंटे, जी हाँ 30 घंटे लगातार साइकिल चलाने का बेड़ा उठा रखा है। परेश? पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो इंसान लगातार 30 घंटे जो है वो साइकिल चला रहा है। अपूर्व, जी हेलो अपूर्व बेटा, क्या हो रहा है? आप कुछ नहीं, क्यों? नहीं बेटा टीवी पे क्या कर रहे हो तुम? हम सब टीवी पे, टीवी पे। पूरी फैमिली है, टीवी पे क्या कर रही है लोग? शायद आरती को पता हो, मैं उसे बुलाती हूँ। आरती! अरे रुको, मैं अपूर्व को ही फोन लगाता हूँ। क्या हुआ?
जी हेलो अपूर्व बेटा क्या हो रहा है? आप कुछ नहीं क्यों? नहीं बेटा टीवी पे क्या कर रहे हो तुम? हम सब टीवी पे टीवी पे हेलो 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 एवरीबॉडी ये निकम्मा यहाँ पे क्या कर रहा है? एक मिनट अंकल सुना नहीं दे रहा एक मिनट अंकल क्या है कि खोसला ग्राउंड में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ना लोगों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम हो रहा है। ओहो ग्लोबल वार्मिंग के लिए परेश भैया ये सब कर रहे हैं। तो कोई साइकिल चैंपियन है उसने कहा है कि वो 30 घंटे तक नॉनस्टॉप साइकिल चलाकर लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करेगा कि कार मत चलाइए साइकिल चलाइए। क्या बात है बेटा बहुत ही अच्छी बात है उच्च विचार लेकिन बेटा ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक्चुअली अंकल क्या हुआ कि लास्ट मिनट पर वो साइकिल चैंपियन नहीं आ पाया तो परेश भैया ने बीड़ा उठा लिया तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए हम सब यहाँ चले आए और सॉरी रादर उन्हें सपोर्ट करने के चक्कर में हम आपको इन्फॉर्म करना भूल गए। अरे कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं मैं तो ऐसे ही बस परेश को कहना कि गिव अप ना करे। जी जी हम लोग अभी वहाँ आ रहे हैं। एक मिनट आरती को बात करनी तुमसे। अपूर्व तुम ना टीवी पे बहुत क्यूट लग रहे हो। ओह इज दैट सो तुम भी। हाँ तुमने मुझे कब देखा? मैंने तुम्हें अपनी मन की आंखों से देखा। ओके अब बाय द वे हम लोग अभी आ रहे हैं बाय। झूठ मत बोलो।